अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही क्विक और इजी इंस्टेंट वे में बनाएंगे और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल। तो ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 किलो चिकन। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही यहाँ पर हमने ले लिया है इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर है 1/2 कप फ्राइड अनियन, बिरिस्ता हमने 1/2 कप ले लिया है, 1.5 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर होममेड। और इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिए और ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है इस मसाले से और साथ ही सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले जो है चिकन में ऐड कर देंगे, सब एक साथ ऐड करके मैरिनेट करके रख देंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप पुदीना और 1 कप चॉप्ड कीवी कोथमीर और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिया है इस तरह से स्लाइस करके, और यहाँ पर 4 ग्रीन चिलीज। तो ये सब ऐड कर देंगे। तो ये सब कोथमीर, पुदीना, मिर्ची और टमाटर ऐड कर देंगे साथ ही में, दैट्स इट। और लेमन जूस भी ऐड करेंगे इसमें और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 लेमन जूस। तो आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे दही। इसमें हमने सॉल्ट भी ऐड किया है तो उस हिसाब से लेमन जूस ऐड करें, इससे जो टेस्ट है और भी भरपूर होकर आता है। तो अब ऐड कर देते हैं दही 1 कप, दैट्स इट। 1 कप दही साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। तो सारा A to Z सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके ओवरनाइट रख देंगे। और नेक्स्ट डे सिर्फ इतना रहेगा कि चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है और फिर चावल अलग से कुक करके उसके ऊपर लेयर करके दम पे रख देना है और बिरयानी बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगी, है ना, बहुत ही सिंपल सा वे। तो जब भी आपको बिरयानी बनानी हो तो एक दिन पहले ही आप रात में सोने से पहले इस तरह से मैरिनेट करके रख दें तो नेक्स्ट डे ज़्यादा काम आपको नहीं रहेगा बिरयानी बनाने के लिए। अब बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मैरिनेट कर दें चिकन को अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिलाकर। अच्छे तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर दें और नेक्स्ट डे इसे हम भून कर बिरयानी का जो राइस है कुक करके अलग से लेयर करके दम पे रख देंगे। इंस्टेंट बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। खुशबू भी माशाल्लाह अभी से बहुत बेहतरीन सी आ रही है, जब कुक होगा तो माशाल्लाह और कितनी बेहतरीन होगी। आप चाहें तो इसे 2 to 4 आवर्स के लिए भी मैरिनेट करके रख के फिर बना सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट करके रख के नेक्स्ट डे इसे कुक कर दें। बहुत ही सिंपल वे है ये बिरयानी बनाने का। देखिए सिर्फ मैरिनेट करा है हमने, ये अभी से कितना बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह। तो अब इसे रख देते हैं फ्रिज में ओवरनाइट और फिर नेक्स्ट डे इसे करेंगे कुक। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन से बिरयानी की रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। सिर्फ बिरयानी ही नहीं, आप कोरमा वगैरह के लिए भी, करी वगैरह के लिए भी, चिकन हो, मटन हो, आप मैरिनेट करके रख दें फ्रिज में और नेक्स्ट डे उसे कुक करें, आपके लिए काम भी बहुत इजी हो जाएगा और मैरिनेट होकर जो नॉन वेज है वो और भी बहुत ही टेस्टी और अच्छी तरह से गल कर कुक होगा और बहुत बेहतरीन बनेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में, फिर आगे का प्रोसीजर हम आपसे शेयर करेंगे। अब यहाँ पर एक पतीली में हमने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है, इसे अच्छी तरह से हीट कर लेंगे और सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे आलू।
तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इस तरह से डाइसेस करके रख लिया है हमने। इसे हल्का सी शैलो फ्राई कर देंगे हल्का सी सॉल्ट स्प्रिंकल करके। और यहाँ पर बासमती राइस 1 kg लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। आलू को शैलो फ्राई कर देंगे, हल्का सी सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है, हल्का सी गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसे निकाल देंगे। देखें इस तरह से हल्का सी शैलो फ्राई हो जाए आलू तब इसे निकाल देंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, अब बस इसे निकाल देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 bay leaves, 1 star anise और साथ में 6-7 लौंग और साथ में 5 इलायची और यहाँ पे 1 teaspoon ज़ीरा, 2 dalchini और 1 teaspoon peppercorns। तो ये सारे खड़े गरम मसाले गरम तेल में ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देते हैं, ये हल्का सी क्रैकल हो जाए, फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी प्याज। यहाँ पर 1 प्याज हमने स्लाइस करके रखा है, ये ऐड कर देंगे। हल्की सी शैलो फ्राई करनी है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। और यहाँ चिकन हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था, हल्की सी प्याज सौते हो जाएंगी तो चिकन ऐड करके इसे भून लेंगे। इसी तरह से आप चिकन को मैरिनेट करके दम बिरयानी भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इसे पतीली में ऐड कर दें और इसके ऊपर राइस का जो है लेयर कर दें और दम पे रख दें दम बिरयानी। देखिए प्याज हल्की सी सौते हो चुकी है, अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन मैरिनेट किया हुआ सारे मसालों के साथ और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तरी आने तक। अच्छी तरह से इसे भून लेना है, सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे शैलो फ्राई किए हुए आलू और इसे भी साथ में ऐड करके गला देंगे। जो थोड़ा बहुत कुक होना बाकी है आलू वो इसके साथ कुक हो जाएगा। ठीक है, कितना झटपट चिकन मसाला हमारा रेडी है, बस इसे हल्का सी भूनना है। जब ये भून कर अच्छी तरह से तरी ऊपर आ जाएगी, अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, इसके ऊपर राइस की लेयर कर देंगे और दम पे रख देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon बिरयानी मसाला, हमने यूज़ किया है मेहरान का बिरयानी मसाला, ऐड कर रहे हैं 1 tablespoon और इसे अच्छी तरह से स्टर करके मिक्स कर देंगे और 15 minutes के लिए इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे लिड क्लोज करके। हल्का सा सॉल्ट और ऐड किया है, अच्छे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दैट्स इट, अब लिड क्लोज करके 15 minutes का कुक होने देंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/4 cup मिल्क, थोड़ा सी एक बार हल्का सी स्टर कर लेंगे, इंशाल्लाह इतनी बेहतरीन से खुशबू आ रही है और राइस जो है हमारा कुक हो चुका है, अब बस इसके ऊपर लेयर करना है। देखें बासमती राइस कुक हो चुका है अच्छी तरह से, 2 dalchini, 3-4 ilaichi हमने डाला था और 2-3 long इसमें ऐड किया था, दैट्स इट, और इसे कुक कर दिया था सॉल्ट ऐड करके, अब इसे लेयर कर देंगे। अब इसके ऊपर लेयर कर देंगे राइस, मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है, मैरिनेट ओवरनाइट किया है तो चिकन भी बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है। अब इसके ऊपर कलर्स ऐड कर देंगे, जो भी कलर्स आपको पसंद है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जो भी कलर्स आप ऐड करना चाहें ऐड कर दें, ठीक है। साथ ही ग्रीन कलर भी ऐड कर देंगे और साथ ही ये केसर ऐड करेंगे, ये पाउडर जो हमने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है, इसमें केसर होता है, केसर पाउडर मिला हुआ होता है और साथ में केसरी कलर होता है, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया हल्का सी। घी ऐड कर देंगे ऊपर से, ये
ये घी ऐड कर दिया हमने और साथ ही बिरिस्ता ऐड कर देंगे। और क्वार्टर कप ऊपर से मिल्क ऐड कर देंगे, इससे चावल अच्छे खिले खिले होंगे। और साथ ही इसके ऊपर ऐड कर देंगे चॉप्ड किया हुआ थोड़ा सी पुदीना, अच्छा है तो कोथमीर भी साथ ही ऐड कर लें। दैट्स इट। और इसे दम पे रख देंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आ रही है, दम हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। टेन मिनट्स के लिए हमने दम पे रखा था, देखें कितनी मज़ेदार सी है माशाल्लाह, बेहतरीन सी खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है। यहाँ पर हमने सैलड प्रिपेयर कर लिया है, इसमें है टमाटर, प्याज, चॉप्ड की हुई कोथमीर, कर्ड और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट। अब हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी करेंगे सर्व। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज बनी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी वे में बिरयानी बन जाएगी और बहुत ही लजीज, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। दैट्स इट। और इसे सर्व करेंगे मज़ेदार से सैलड के साथ। तो ये गर्मा गर्म मज़ेदार सी क्विक और इजी चिकन बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। बहुत ही सिंपल और इजी है, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी बेहतरीन से बेहतरीन बिरयानी की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप उसमें जाकर देखें, आपको सारी बिरयानी की रेसिपीज़ मिल जाएगी और ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। Thanks for watching. See you inshallah in the next video. Allah Hafiz.